तो चलो जी देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 13। ठीक है ना, क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी 3, 3/2, 3/4 आर नीडेड टू गिव द सम 3069 डिवाइडेड बाय 512। है ना, आपको ये जीपी दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा गया है कि इस जीपी की कितनी टर्म्स का सम है ना, इस जीपी की कितनी टर्म्स का जो सम है वो आपको 3069512 मिलेगा। मतलब आपको इस जीपी की कितनी टर्म्स लेनी पड़ेगी, कितनी टर्म्स को आपको ऐड करना पड़ेगा ताकि उसका सम जो है कितना आ जाए 3069512। है ना, तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम क्या अज्यूम करेंगे कि यहां पे हमें एन टर्म्स चाहिए। है ना, हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि वी नीडेड एन टर्म्स और उसका यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअल में एन की वैल्यू कितनी है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 13। सबसे पहले आप यहां पे नोट कर लो जो दिया हुआ है, गिवन जीपी इज क्या दिया हुआ है हमें यहां पे 3, 3/2, क्या है यहां पे 3/4, ... ठीक है। तो यहां पे देखो ये जीपी आपको दिया हुआ है, इसका फर्स्ट टर्म जो है लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, एंड R be the common ratio of GP। तो यहां पे देखिए फर्स्ट टर्म जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको GP दिया हुआ है, एंड R is equals to क्या होना चाहिए, सेकंड टर्म का रेशियो हम फर्स्ट टर्म के साथ ले लेंगे तो क्या मिलेगा 3/2 / 3, इसी का मतलब कितना होना चाहिए 1/2। तो R की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कितनी मिल जाएगी, 1/2 मिल जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पे ये निकालना है कि कितनी टर्म्स हमें चाहिए ताकि उसका सम जो है वो 3069/512 हो जाए। तो हम क्या अज्यूम करेंगे यहाँ पे, लेट n नंबर ऑफ टर्म्स नीडेड, लेट एन नंबर ऑफ टर्म्स नीडेड टू गिव द सम, 3069 डिवाइडेड बाय 512। है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सम है 3069512 इट इज अ सम ऑफ एन टर्म्स। है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 3069 डिवाइडेड बाय 512 आपको दिख रहा है इट इज अ सम ऑफ एन टर्म्स। और हमें पता है कि सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी हम कैसे निकालते हैं, नाउ सम ऑफ एन टर्म्स इन जीपी इज, है ना, इन जीपी इज कैसे निकालते हैं हम, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए मल्टीप्लाइड बाय 1 - r^n डिवाइडेड बाय कितना होता है 1 - r। अब यहां पे देखो, यहां पे हमने क्या अज्यूम किया था कि यहां पे एन नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए ताकि उनका जो सम है वो कितना आ जाए 3069/512। इसका मतलब क्या हो गया कि 3069/512 इज अ सम ऑफ एन टर्म्स। तो Sn की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3069/512। तो Sn की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3069/512, है ना, कितना हो जाएगा 512। और इसके बराबर में देखिए a, a का वैल्यू बेटा यहां पे कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 - 1 का वैल्यू देखो यहां पे कितना है 1 - r^n। तो r^n में r की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1/2 n, राइट है ना, कितना हो जाएगा 1/2 n। और यहां पे 1 - r का वैल्यू कितना है यहां पे 1/2। तो देखिए इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज 3069/512, इसके बराबर में देखिए कितना हो जाएगा, दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 - यहां पे हम पावर सेपरेट कर देंगे 1 का पावर n, आप 1 का कितना भी पावर लो आपको 1 ही मिलेगा, डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 2 - n। और इसके डिनोमिनेटर में देखिए 1 - 1/2 करेंगे तो कितना मिलेगा 2 - 1/2, है ना, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 3069/512। और यहां पे देखिएगा दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 - 1/2 n, और यहां पे ये कितना होना चाहिए 2 - 1/2 कितना हो जाएगा 1/2। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस विल इंप्लाइज, है ना, इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज 3069 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 512, इसके बराबर में ये जो 1/2 में का 2 है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये 3 ऑलरेडी यहां पे प्रेजेंट है,
सो 3 इंटू 2 बेटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई कितना मिलना चाहिए, 1 - 1/2 raised to n, है ना। इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, दिस विल इंप्लाइज ये जो 6 है ना इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3069, ठीक है, डिवाइडेड बाय 512 मल्टीप्लाइड बाय 6, और इसके बराबर में कितना है 1 - 1/2 raised to n, तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 3069 डिवाइडेड बाय 6 × 512 करो, 6 × 2 से कितना हो जाएगा 12, रिमाइंडर इज 1, 6 × 1 से कितना होना चाहिए, 6 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, एंड 6 × 5 से कितना होना चाहिए 30, दैट इज 3072, इसके बराबर में कितना है 1 - 1/2 raised to n। हम किस में इंटरेस्टेड है, हम n की वैल्यू में इंटरेस्टेड है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो -1/2 raised to n आपको दिख रहा है ना इसको LHS में लेके आ जाओ, इसको अगर हम LHS में लेके आ जाएंगे तो इसके ये अपना साइन चेंज कर देगा, यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, सो 1/2 raised to n के बराबर में ये जो 1 है ना इसको यहाँ पे एज इट इज रहेंगे, और ये जो बड़ा सा टर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है उसको हम लोग RHS में लेके जाएंगे, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इधर जाने के बाद बेटा क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 3069 और डिवाइडेड बाई कितना होना चाहिए 3072, कितना हो जाएगा 3072। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 raised to n, है ना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 3072 × 1 कितना होना चाहिए 3072 माइनस यहाँ पे देखिएगा 2069 का मत सॉरी 3069 है ना, कितना है 3069 और डिवाइडेड बाय कितना है 3072, कितना है 3072। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 raised to n के बराबर में यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 3072 माइनस 3069 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पे 3 मिल जाएगा, कितना मिलेगा 3 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए 3072। देखो 3 और 3072 में डिवीजन होता है क्या, बिल्कुल होता है, यहाँ पे आप देखिए इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 raised to n इज इक्वल्स टू 3 बाय, देखो 3 × 1 = 3, यहाँ पे देखो 10 × 3 जा कितना होता है 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, रिमेनिंग इज 72, ठीक है, एंड देन 3 × 2 जा कितना होता है 6, तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 1 और ये 12 है, तो 4 × 3 जा कितना होता है बेटा 12, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 24, दैट इज 1024, है ना। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 1/2 raised to n के बराबर में क्या है 1/2024, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 2 raised to n के बराबर में क्या लिख सकते हैं हम लोग 1024, क्या लिख सकते हैं 1024। देखिए आप यहाँ पे है ना ये 1024 है यहाँ पे डिनोमिनेटर में था, तो हम इसको अगर LHS में लेके जाए तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये 1/2 raised to n जो है ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे, तो इसको अगर हम RHS में लेके जाए तो वो भी क्या कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो अल्टीमेटली उसी का मतलब क्या है 2 raised to n के बराबर में 1024। ना ये जो 1024 है ना 1024 दैट इज 2 raised to n के बराबर में 1024 का ही मतलब क्या होता है 2 raised to 10, कितना होता है 2 raised to 10, 10 का मल्टीप्लीकेशन सॉरी 2 का मल्टीप्लीकेशन अगर आप 10 टाइम्स लोगे तो आपको क्या मिलेगा 1024 मिलेगा। और अब बहुत सिंपल सी बात है कि अगर 2 raised to n के बराबर में 2 raised to 10 है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का पावर जो है कैसा होना चाहिए सेम होना चाहिए, इसका मतलब जो है एन की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी मिलेगी 10 मिलेगी, कितनी मिलेगी बेटा 10 मिलेगी। तो देयरफॉर ठीक है हमें इस जीपी की कितनी टर्म्स लगेगी जिनका एडिशन जो है वो 3069/512 होगा, कितनी टर्म्स हमें चाहिए 10 टर्म्स चाहिए, है ना, सो वी विल रिक्वायर द 10 टर्म्स ठीक है ऑफ दिस जीपी टू गेट द सम 3069/512, लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 14, ठीक है ना, क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 14, कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स, ठीक है आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जीपी की जो फर्स्ट 3 टर्म्स है उनका सम आपको यहाँ पे दिया हुआ है 13/12, है ना, जीपी की जो फर्स्ट 3 टर्म्स होगी उनका सम आपको दिया हुआ है 13/12 एंड जो प्रोडक्ट है वो आपको कितना दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, ठीक है, प्रोडक्ट आपको कितना दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछा गया है कि इसका कॉमन रेशियो क्या होगा और वो टर्म्स जो है उनकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो इसको सॉल्व करने के पहले ना एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जैसे हमें पता है कि स्टैंडर्ड जीपी जो है हम किस फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड जीपी की जो टर्म्स होती है वो क्या होती है, फर्स्ट टर्म जो है वो ए होती है, सेकंड टर्म हमारी क्या होती है ए आर, थर्ड टर्म क्या होती है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना, ऐसे ही हमारी जो टर्म्स है वो जीपी की हमें मिलती है। अब देखो ए का मतलब ही क्या है, इसी का मतलब क्या है ए मल्टीप्लाइड बाय आर रेस टू जीरो, है ना, कॉमा
AR, AR square, ठीक है, comma, dot, dot, so on, ठीक है। अब now यहाँ पे देखो कि अगर ये R raise to 0 से start हो रहा है, तो इसके पहले वाली term क्या होनी चाहिए? आप यहाँ पे assume कर सकते हो कि first term थी AR raise to 0, second term थी हमारी AR, third term क्या है हमारी AR square, तो AR raise to 0 के पहले क्या term होनी चाहिए? AR raise to minus 1, है ना, क्या होनी चाहिए? AR raise to minus 1, क्योंकि 0 के पहले क्या आता है? Minus 1 आता है ना, जीरो के पहले क्या आता है? माइनस वन आता है। तो अगर ए आर रेस टू जीरो के पहले वाली टर्म हमें चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? ए आर रेस टू माइनस वन, उसके बाद क्या आना चाहिए? ए आर रेस टू जीरो का मतलब क्या? ए, और उसके बाद क्या आएगा? ए आर, उसके बाद क्या आना चाहिए? ए आर स्क्वायर। अब ये सब बताया मैंने क्यों? मैंने इसलिए बताया कि यहां पर क्या कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, तो जो फर्स्ट थ्री टर्म्स हम क्या कंसिडर करेंगे? ए आर माइनस वन, ए एंड ए आर, है ना, इनको हम अज्यूम करेंगे कि ये हमारी क्या है? फर्स्ट थ्री टर्म्स है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 14, लेट ए आर माइनस वन, ए आर माइनस वन का ही मतलब क्या होता है? ए बाय आर कॉमा ए कॉमा ए आर बी द, ठीक है, बी द फर्स्ट थ्री टर्म्स, फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है, फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी। अब आपको दिया हुआ है कि इन फर्स्ट थ्री टर्म्स का जो सम है वो कितना है? 13/12 है, और इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है? माइनस वन है। सो देयरफॉर गिवन क्या दिया हुआ है हमें? इसका सम दिया हुआ है, दैट इज ए बाय आर प्लस ए प्लस ए आर, इन तीनों टर्म्स को अगर एड किया जाए तो इसका सम कितना निकलेगा? 13/12 निकलेगा, ठीक है ना, कितना निकलेगा? 13/12। इसको हम यहां पे चाहे तो रेफरेंस नंबर 1 दे देंगे। उसके बाद यहां पे देखो इनका प्रोडक्ट जो है वो कितना है? माइनस वन है। तो अगर इनको आप मल्टीप्लाई करते हो, ए आर मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड सॉरी ए बाय आर मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय ए आर, इसके बराबर में आपको कितना मिलेगा? माइनस वन। इन तीनों टर्म्स का अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो इनका प्रोडक्ट आपको कितना मिलेगा? माइनस वन मिलेगा। इसको रेफरेंस नंबर 2 दे देंगे। नाउ देखो यहां पे रेफरेंस नंबर 2 नहीं भी दिया तो भी चलेगा, ठीक है। यहां पे देखो ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, a इंटू ए कितना हो जाएगा? a क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा? a क्यूब, और इसके बराबर में आपको कितना मिलेगा? माइनस वन। इसी का मतलब क्या होना चाहिए? a इज इक्वल्स टू माइनस वन रेस टू 1/3, दैट इज क्यूबिक रूट ऑफ माइनस वन। अब अगर आप क्यूबिक रूट ऑफ माइनस वन निकालोगे तो आपको तीन पॉसिबल रूट्स मिलेंगे, है ना, जिसमें से दो जो है वो कॉम्प्लेक्स है और एक जो है वो क्या होगा? रियल रूट होगा। तो आपको सिर्फ यहां पे क्या करना है? रियल रूट को ही कंसिडर करना है, जो कि क्या है? माइनस वन है। तो ए का माइनस वन रेस टू 1/3 का जो रियल रूट है वो क्या है? माइनस वन। यहां पे हम लिख देंगे ऐसे, कंसिडरिंग, ठीक है, कंसिडरिंग ओनली रियल रूट, ठीक है, ओनली रियल रूट, सिर्फ रियल रूट को हम यहां पर कंसिडर करेंगे। तो हमें a का वैल्यू जो है वो कितना मिल गया? यहां पे माइनस वन मिल गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? कॉमन रेशो निकालना है, और ये जो टर्म्स है इनकी हमें वैल्यूज निकालनी है। अब देखो अगर हमें कॉमन रेशो निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे? ये जो वैल्यू है a इज इक्वल टू माइनस वन, जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दे या फिर पुट कर दे, तो यहां पे देखो r सॉरी a की जगह पे हमें क्या पुट करना है? माइनस वन पुट करना है। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस वन बाय आर। देन उसके बाद देखिए यहां पे a की जगह पे हमें माइनस वन सॉरी a की जगह पे हमें कुछ a की जगह पे माइनस वन रखना है, तो माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा? माइनस वन। और यहां पे देखिएगा a की जगह पे हमें माइनस रखना है, तो ये माइनस इंटू आर कितना हो जाएगा? माइनस आर, और इसके बराबर में कितना है? 13/12, कितना हो जाएगा? 13/12। नाउ यहां पे देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे ना, यहां पे माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या मिलेगा? 1/r + 1 + r, और इसके बराबर में कितना है? 13/12, ठीक है। ये माइनस साइन जो है इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, है ना, आरएचएस में शिफ्ट कर देंगे, और यहां पे हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो यहां पे देखो 1/r हो जाएगा, प्लस यहां पे कितना होना चाहिए? r/r, प्लस यहां पे कितना होना चाहिए? r²/r। देखो r/r करोगे तो आपको अगेन 1 मिलेगा, और आर स्क्वायर बाय आर अगर आप करोगे तो अगेन आपको फिर से क्या मिलेगा? आर ही मिलेगा। और इसके बराबर में ये जो माइनस साइन है इसको हम आर एच एस की इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? -13/12। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, अब आप न्यूमिनेटर का एडिशन कर सकते हो, तो क्या मिलेगा? 1 + r + r²
डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए आर, और इसके बराबर में कितना है माइनस 13/12. सो दिस विल इंप्लाइज ये 12 जो है ना इसको इधर शिफ्ट कर दो तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर, और इसके बराबर में देखिए कितना हो जाएगा, आर को इधर शिफ्ट कर देंगे कितना हो जाएगा माइनस 13 आर. कितना होना चाहिए माइनस 13 आर. 12 से हम अंतर मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 इंटू 1 इज 12, 12 इंटू आर इज 12 आर, प्लस यहां पे कितना हो जाएगा 12 इंटू आर स्क्वायर कितना होना चाहिए 12 आर स्क्वायर, और इसके बराबर में कितना है माइनस 13 आर. देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 12 आर स्क्वायर जो है इसको हम पहले नोट कर लेंगे, और देखो माइनस 13 आर है, माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे कितना हो जाएगा प्लस, ये 12 आर यहाँ पे ऑलरेडी है और यहाँ पे माइनस 13 को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस 13 आर, और इसके बराबर में देखिए ठीक है प्लस कॉन्स्टेंट टर्म क्या है हमारा 12, तो ये हो जाएगा 12, इसके बराबर में कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा. देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 आर स्क्वायर प्लस 12 आर प्लस 13 आर कितना होना चाहिए 25 आर, है ना, कितना हो जाएगा 25 आर, और यहां पे कितना है 12 इज इक्वल्स टू 0, कितना है 12 इज इक्वल्स टू 0. नाउ यहां पे देखो 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 12 इंटू 12 अगर आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा 144 मिलेगा, है ना, कितना मिलेगा 144. इसका मतलब ये है कि आपको 144 के ऐसे रूट्स निकालने हैं, है ना, 144 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन तो 144 होता हो, और अगर हम एडिशन करें तो कितना मिले 25. तो देखो 9 6 जा, है ना, 9 16 जा, 9 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 into 16 कितना हो जाएगा 144, एंड 9 plus 16 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना. देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज 12 आर स्क्वायर प्लस ये जो 25 आर है इसी को हम क्या लिख सकते हैं 9 आर प्लस कितना हो जाएगा ये 16 आर, और यहां पे देखिएगा इसके प्लस, ठीक है, यहां पे कितना है हमारे पास 12, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा. आप बात समझने की कोशिश कीजिए कि आर स्क्वायर के सामने क्या था, 12 था, तो 12 को हमें कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, 12 इंटू 12 कितना हो गया 144, तो इसके हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने थे जिसका मल्टीप्लीकेशन 144 आता हो और एडिशन कितना आता हो 25, तो 9 into 16 करोगे तो आपको कितना मिलेगा 144 मिलेगा, एंड 9 plus 16 करोगे तो कितना मिलेगा 25 मिलेगा. अब यहाँ पे देखो 12 आर स्क्वायर प्लस 9 आर में क्या कॉमन है, एक तो आप यहां से 3 कॉमन निकाल सकते हो, साथ में आप यहां से आर कॉमन निकाल सकते हो, तो अगर आपने यहां से 3R कॉमन निकाल दिया तो यहां पे कितना बचेगा 4R बचेगा, और यहां पे कितना बचेगा 3 बचेगा, प्लस यहां पे देखो 16R प्लस 12 इसमें से क्या कॉमन निकलेगा सॉरी इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहां पे देखो 16R में से अगर आपने 4 को कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 4R बचेगा प्लस, और 12 में से अगर आपने 4 कॉमन निकाल लिया तो यहां पे कितना बचेगा 3 इज इक्वल्स टू 0. नाउ अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पे भी 4R प्लस 3 है, यहां पे भी 4R प्लस 3 है, तो यहां से 4R प्लस 3 और यहां से 4R प्लस 3 को हम कॉमन निकाल लेंगे, सो 4R 3 प्लस कॉमन आ जाएगा. तो यहां पे देखिए 4R प्लस 3 अगर यहां से कॉमन चला गया तो यहां पे कितना बचेगा 3R प्लस, और यहां पे कितना बचेगा 4, और इसके बराबर में कितना होना चाहिए 0. इसी को आप कैसे लिख सकते हो 4R प्लस 3 के बराबर में 0, और 3R प्लस 4 के बराबर में कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है. सो देखिए यहां पे 4R प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, इसी का मतलब कितना होगा 4R इज इक्वल्स टू माइनस 3, और यहां पे देखिए 3R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस 4. इसी को हम क्या लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू माइनस 3/4, है ना, R इज इक्वल्स टू माइनस 3/4, और यहां पे R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस 4/3, कितना होना चाहिए माइनस 4/3. मतलब आपको R की यहां पे दो वैल्यूज मिली, एक तो क्या हो सकता है माइनस 3/4 हो सकता है, या तो फिर एक तो क्या हो सकता है माइनस 4/3 हो सकता है. तो इस R की दोनों वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट 3 टर्म्स हम यहां पे निकालेंगे. तो यहां पे देखो फॉर R इज इक्वल्स टू, नाउ टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड टर्म्स, है ना, फॉर R इज इक्वल्स टू माइनस 3/4. यहां पे देखो अगर आप R की जगह पे माइनस 3/4 रखते हो, देखो A का वैल्यू माइनस 1 ही है, तो यहां पे A का वैल्यू माइनस 1 और R की जगह पे अगर आप माइनस 3/4 रखोगे तो वो माइनस माइनस एक तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एंड 1 by -3/4 कितना मिलेगा, कितना मिलेगा आपको 4/3. फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 4/3. उसके बाद यहां पे देखिए A इज इक्वल्स A क्या है माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1. उसके बाद यहां पे देखिए AR, A का वैल्यू कितना है माइनस 1
और r का वैल्यू कितना है माइनस थ्री बाय फोर, सो माइनस वन इंटू माइनस थ्री बाय फोर कितना हो जाएगा ये थ्री बाय फोर। सो फॉर r इज इक्वल टू माइनस थ्री बाय फोर हमें जो टर्म्स फर्स्ट थ्री टर्म्स मिली है जिनका जो सम है वो 13/12 है और प्रोडक्ट जो है वो माइनस वन है, कौन सी टर्म्स कितनी टर्म्स को सही कौन सी टर्म्स हमें मिली है 4/3 माइनस वन एंड 3/4 किसके लिए जब r क्या है माइनस 3/4। तो वैसे ही फॉर r इज इक्वल्स टू माइनस 4/3 अगर आप लेते हो है ना, r इज इक्वल्स टू अगर आपका कॉमन रेशियो जो है आप माइनस 4/3 लेते हो तो आपकी जो टर्म्स है उसकी वैल्यू क्या होगी। फिर से हम क्या करेंगे a बाय r में a की वैल्यू माइनस वन और r की वैल्यू माइनस 4/3 रखेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा एंड 1/4/3 कितना होना चाहिए 3/4। तो फर्स्ट टर्म जो है आपको क्या मिलेगी 3/4 मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए a, a का वैल्यू कितना है माइनस वन तो ये आपका एज इट इज रहेगा माइनस वन ठीक है। और उसके बाद देखिए थर्ड टर्म जो है हमारी कौन सी है ए आर, देखो a की वैल्यू माइनस वन है r की वैल्यू अभी हमने कितनी ली है माइनस 4/3 जो थर्ड टर्म हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी कितनी मिलेगी 4/3 मिलेगी है ना। तो ये ऐसी टर्म्स है जिनका सम अगर लिया जाए तो आपको कितना मिलेगा 13/12 और इनका अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो वो आपको बेटा कितना मिलेगा माइनस वन मिलेगा। आप देख सकते हो करके देखो प्रोडक्ट अगर आप लोगे 4/3 इंटू माइनस वन इंटू 3/4 3 कैंसिल 4 कैंसिल कितना मिलेगा माइनस वन मिलेगा। यहाँ पे भी आप देखो 3/4 इंटू 4/3 इंटू माइनस वन 4 कैंसिल 3 कैंसिल कितना मिलेगा माइनस वन मिलेगा है ना। तो कॉमन रेशियो जो है वो आपको यहाँ पे एक तो माइनस 3/4 होगा या तो फिर माइनस 4/3 होगा और इन दोनों कॉमन रेशियोज के लिए हमने क्या किया तीनों टर्म्स की हमने वैल्यूज यहाँ पे निकाल ली लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 15। क्या कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 7,77,777,777 टू n टाइम्स ठीक है। इस सीक्वेंस का हमें क्या करना है सम निकालना है। अब अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि दिस इज नॉट अ जीपी है ना, ये जीपी भी नहीं है और एपी भी नहीं है ठीक है, ये जीपी भी नहीं है और एपी भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना इसको अज्यूम करके चलेंगे कि ये जीपी है, इसको हम सम के फॉर्म में नोट करेंगे। तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिखेगा सोल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 15 है ना, सोल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 15 यहाँ पे देखो लेट ठीक है, लेट एस एन इज इक्वल टू इस सीक्वेंस को हम सम के फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा सीक्वेंस का 7 प्लस 77 प्लस 777 ठीक है प्लस 4 times 7 ठीक है 777 प्लस डॉट 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 और ये कितने टाइम्स है 2n times है ना, कितने टाइम्स है ये n टाइम्स है। अब यहां पे देखो अगर हमने मान लो यहां से 7 कॉमन निकाल दिया है ना, अगर हमने यहां से 7 कॉमन निकाल दिया तो देखो यहां पे कितना बचेगा 7 यहां से चला जाएगा तो यहां पे 1 बचेगा प्लस यहां पे देखिए यहां पे कितना बचेगा 1 बचेगा प्लस यहां पे देखो कितना बचेगा 1 और यहां पे देखिएगा प्लस, इसमें से 7 अगर कॉमन निकाल गया तो यहां पे कितना बचेगा 1 प्लस डॉट 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 प्लस कितना होना चाहिए n टाइम्स है ना, कितना हो जाएगा ये n टाइम्स ठीक है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाय ये जो 1 है ना इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 9/9 लिख सकते हैं क्या, अगेन 9/9 कैंसिल हो गया तो फिर से आपको क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। प्लस यहां पे देखो ये 11 है, 11 को अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 इंटू 11 कितना हो जाएगा 99/9 प्लस यहां पे देखिए 111111 है, यहां से इसको अगर हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा 999/9 देखो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ना 99/9 कितना होता है 11 होता है ठीक है, 999/9 कितना होता है 111111 होता है। प्लस वैसे ही देखो ये जो 1111 है इसी को हम कैसे लिख सकते हैं 9999/9 प्लस डॉट 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 प्लस कितना होना चाहिए n टाइम्स है ना n टाइम्स। देखो इसी को अगेन हम कैसे लिख सकते हैं sn के बराबर में, यहां पे देखो हर टर्म के डिनोमिनेटर में आपको 9 दिख रहा है ना, हर टर्म के डिनोमिनेटर में क्या है 9 है तो जितने टाइम्स आप लिखेंगे उसके हर टर्म के डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा 9 मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि इसके डिनोमिनेटर्स में से हम 9 कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर हमने यहां से 9 कॉमन निकाल दिया तो कितना मिलेगा 7/9 मल्टीप्लाइड बाय देखो 9/9 देन यहां से 7 चला गया डिनोमिनेटर में से 9 चला गया तो यहां पे कितना बचेगा 9 प्लस यहां पे कितना बचना चाहिए 99 प्लस यहां पे कितना बचेगा 999 और यहां पे कितना बचेगा
9999 प्लस डॉट 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 कितने टाइम्स, n टाइम्स, है ना। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, n टाइम्स। अब यहां पे देखो Sn के बराबर में इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 7/9 तो जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, और ये जो 9 है ना इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10-1 लिख सकते हैं क्या, ऐसे 9 को हम क्या लिख सकते हैं 10-1 लिख सकते हैं। देन यहां पे देखिए प्लस ये जो 99 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 100-1 लिख सकते हैं, ऐसे 100-1 करोगे तो अगेन क्या मिलेगा 99 मिलेगा ना। देन यहां पे देखिए 99 को आप 999 इसको आप क्या लिख सकते हो 1000-1 लोग लिखोगे तो अगेन क्या मिलेगा 999 प्लस यहां पे देखो 9999 इसी को आप क्या लिख सकते हो 10000-1 है ना, 10000-1 प्लस डॉट 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 प्लस कितना होना चाहिए n टाइम्स, है ना, कितना हो जाएगा n टाइम्स। नाउ यहां पे देखिएगा, ठीक है n टाइम्स। नाउ यहां पे देखिए इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, Sn के बराबर में कितना है 7/9 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे देखो ये जो 10-1 है इसको हम एज इट इज रखेंगे फिलहाल 10-1 प्लस यहां पे देखो यहां पे 100-1 है, 100 का मतलब कितना होता है 10 square, सो दिस इज 10 square-1 प्लस यहां पे देखो 1000-1 करोगे तो 1000 का मतलब कितना होता है 10 cube, दैट इज 10 cube-1 प्लस यहां पे देखिए कितना है 10000 का मतलब क्या होता है 10^4 है ना, और ये -1 प्लस डॉट 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 प्लस कितने टाइम्स हो जाएगा n टाइम्स, है ना, कितने टाइम्स हो जाएगा n टाइम्स। अब यहां पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो ना तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि यहां पे फर्स्ट टर्म जो है वो 10 का पावर है, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10^4 मतलब यहां पे क्या हुआ है, दो सीरीज का एडिशन हुआ है, ठीक है ना। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पे क्या हो रहा है, दो सीरीज का एडिशन हो रहा है जिसमें फर्स्ट सीरीज का एलिमेंट क्या है, फर्स्ट सीरीज की टर्म्स क्या है 10 square 10 cube 10^4 एंड सेकंड जो सीरीज है उसकी टर्म्स क्या है -1 -1 -1 एंड -1। तो इसको अगर हम स्प्लिट कर दे, है ना, इसको अगर हम स्प्लिट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज 7/9 जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, और इसको अगर हम स्प्लिट कर दे तो देखो हम कैसे लिखेंगे 10-1, 10^2-1, 10^3-1, 10^4-1 प्लस डॉट 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 n टाइम्स। इसमें ये जो 10 square 10 cube 10^4 है दिस इज द टर्म्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज, और ये -1 -1 -1 और ये -1 जो है दिस आर द टर्म्स ऑफ द सेकंड सीरीज। तो यहां पे हम कैसे लिख सकते हैं ना इसको 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस, ठीक है, 10^4 प्लस डॉट 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 n टाइम्स, है ना, प्लस डॉट 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 n टाइम्स देन मल्टी, ठीक है, माइनस यहां पे देखो कितना है -1 -1, है ना, ये -1 -1 -1 -1 -1, ठीक है, कितने हो गए 1 2 3 4, है ना, और यहां पे प्लस माइनस डॉट 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 कितने टाइम्स होगा, इसका भी एडिशन n टाइम्स, है ना, इसका भी एडिशन कितना टाइम्स होगा n टाइम्स होगा, है ना। देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, Sn के बराबर में कितना है 7/9 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहां पे आप देखिए इसको तो हम फिलहाल एज इट इज रखेंगे 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10^4, ठीक है ना, प्लस डॉट 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 प्लस n टाइम्स, ठीक है, प्लस n टाइम्स। और देखो यहां पे -1 -1 -1 -1 है मतलब यहां पे जितने भी बार 1 का एडिशन सब -1 है, तो इनमें से माइनस साइन को अगर कॉमन निकाल दे तो देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, सारे 1 जो है वो कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, दैट इज 1 + 1, ठीक है, +1 + 1, ठीक है, प्लस डॉट 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 कितने टाइम्स n टाइम्स, है ना, कितने टाइम्स n टाइम्स, और यहां पे ये ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। तो यहां पे देखो Sn इज इक्वल टू 7/9। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि दिस 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10^4, ठीक है, इज जीपी, है ना, ये क्या है, जियोमेट्रिक सीरीज है बेटा, ठीक है ना, क्या है, जियोमेट्रिक सीरीज है, और यू कैन से दिस इज द एडिशन ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, है ना, दिस इज द एडिशन ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। और हमें पता है कि n टर्म्स ऑफ जीपी जो है वो हम कैसे निकालते हैं, Sn इज इक्वल टू क्या होता है ना, इसी को आप कैसे लिख सकते हो 10 प्लस, है ना, Sn इज इक्वल टू क्या होता है a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस r रेस टू n
डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, 1 माइनस आर रेस 12 डिवाइडेड बाय कितना होता है, ठीक है ना, कितना होता है 1 माइनस आर। अब अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये हमारी जियोमेट्रिक सीरीज होगी, ठीक है, क्या हो गई हमारी जियोमेट्रिक सीरीज होगी, और इसमें से अगर हम प्लस को हटा दे और कॉमा लगा दे, है ना, इसमें से अगर हम प्लस को हटा दे और कॉमा लगा दे तो क्या बन जाएगा, 10 square, 10 cube, 10 raised to 4, मतलब जियोमेट्रिक क्या बन जाएगी, ये प्रोग्रेशन बन जाएगा, ठीक है ना, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि इस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म जो है वो कितना है, 10 है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 10 है, और ये इसमें का जो कॉमन रेशो होगा वो क्या होगा, 10 होगा ना, इसमें जो कॉमन रेशो होगा वो कितना होगा, 10 होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे देखो ये सेकंड टर्म है ये फर्स्ट टर्म है, तो इसका कॉमन रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो 10 स्क्वायर बाय 10 कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, देखो 10 क्यूब बाय 10 स्क्वायर कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, मतलब यहां पे कॉमन रेशो कितना है, 10 है, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 10 है, ठीक है। तो इसी का यूज करके आप क्या कर सकते हो, दिस 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब, दैट इज 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस डॉट 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 n टाइम्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहां पे, n टर्म्स है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली ये जो इसका सम है, ये जो जियोमेट्रिक सीरीज है इसका जो सम है वो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले का अगर हम यूज करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या है, 10 है बेटा, देन मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर रेस टू एन, देखो आर मतलब क्या, कॉमन रेशो, इसमें कॉमन रेशो कितना होगा, 10 ही होगा, तो 10 रेस टू एन, देखो नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी है, एन टर्म्स है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 रेस टू एन, और डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए, 1 माइनस आर, मतलब कितना हो जाएगा, 1 माइनस आर, 1 माइनस आर मतलब कितना, 1 माइनस 10, ठीक है ना। तो ये जो 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 रेस टू 4 प्लस डॉट 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 एन टाइम्स है, इसी को आप क्या लिख सकते हो, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 10 रेस टू एन डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1 माइनस 10, और यहां पे देखिए माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 एन टाइम्स, अगर आप 1 का एडिशन एन टाइम्स करोगे तो कितना मिलेगा, ठीक है। देखो हम पहले क्लियर कर लेते हैं, जैसे मान लो कि अगर 1 को मैं 2 टाइम्स ऐड कर रहा हूं, मतलब 1 प्लस 1 कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। मैंने 1 को कितने टाइम ऐड किया, यहां पे 2 टाइम्स ऐड किया, तो मुझे कितना मिला, 2 मिला। अगर मान लो मैं 1 को 3 टाइम्स ऐड करता हूं, है ना, मैं 1 को अगर 3 टाइम ऐड करता हूं तो 1 प्लस 1 प्लस कितना मिलेगा, मुझे 3 मिलेगा। वैसे ही अगर मैं 4 टाइम्स ऐड करता हूं 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं 5 टाइम्स ऐड करता हूं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। अब देखो सोचने वाली बात यह है कि जब मैं यहां पे 1 को 2 टाइम्स ऐड कर रहा था तो मुझे इसके बराबर में कितना मिला, 2 मिला। जब मैं 1 को 3 टाइम्स ऐड कर रहा था तो मुझे इसके बराबर में कितना मिला, 3 मिला। जब मैं 1 को 4 टाइम्स ऐड कर रहा था तो मुझे इसके बराबर में कितना मिला, 4 मिला। और जब मैंने 1 को 5 टाइम्स ऐड किया तो मुझे क्या मिला, 5 मिला ना। तो वैसे ही अगर मैं n को 1 को n टाइम्स ऐड करूं, इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करते चले, और यहां पे 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 n टाइम्स हमने कर दिया, तो यहां पे बेटा क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, n मिलना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है ना कि जब हमने 1 को 2 टाइम्स ऐड किया तो 2 मिला, 3 टाइम्स ऐड किया तो 3 मिला, 4 टाइम्स ऐड किया तो 4 मिला, 5 टाइम्स ऐड किया तो 5 मिला। तो ऑब्वियस ही बात है अगर हम 5 n टाइम्स ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, n मिलना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि ये जो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 n टर्म्स है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। तो Sn इज इक्वल्स टू आपको यहां पे क्या मिलेगा, 7/9 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू, सॉरी 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 10 रेज टू n डिवाइडेड बाय बेटा कितना, यहां पे 9, 1 माइनस 10 कितना हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस 10 कितना होना चाहिए यहां पे, माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, माइनस 9, और यहां पे आपको कितना मिलेगा, माइनस n, ठीक है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल्स टू 7/9, यहां पे देखिए ये जो माइनस साइन है ना, इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई सामने लगा दो, कितना मिलेगा, माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 10 रेज टू 9 डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए, 9, और यहां पे देखो माइनस कितना हो जाएगा, n। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल्स टू 7/9, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 7/9, और यहां पे देखो माइनस 10 से अंदर, सॉरी माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 तो जो है वो आपका एज इट इज रहेगा, माइनस इनटू प्लस इज माइनस, सॉरी माइनस इनटू माइनस इज प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 10 रेज टू n, और माइनस इनटू प्लस कितना होना चाहिए, माइनस 1 इनटू प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 1, और इसके डिनोमिनेटर में कितना है, 9, माइनस कितना हो जाएगा, n। अगर आप चाहे तो 7/9 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं,
तो यहां पे देखिए एस एन इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 7 बाय 9 से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 10 कितना हो जाएगा 70, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 9 कितना होना चाहिए 81, मल्टीप्लाइड बाय कितना 10 रेस्ट टू एन माइनस 1। और यहां पे देखो 7 बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 9, तो माइनस इंटू प्लस एक तो माइनस हो जाएगा, 7 बाय 9 इंटू एन कितना होना चाहिए 7 बाय 9 एन। सो दिस इज द सम ऑफ द दिस सीक्वेंस 7, ठीक है, 7.77 प्लस 777.4 टाइम 7 डॉट 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 एन टाइम्स, इसका अगर आप सम निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, इतना मिलेगा, लिखिएगा